नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बच्चों से रिलेटेड दिया था वो कॉमनली डिजीज़ बेस्ड था। आज मैं बच्चों के कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में और उसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर दीजिए, और आपके सुझावों को और सवालों को इसी प्रकार से आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेज सकते हैं। मेरा वीडियो आज बच्चों से रिलेटेड हेल्दी हैबिट्स से जुड़ा हुआ है। बच्चों को हेल्दी हैबिट्स के बारे में उनके पिता माता, उनके बड़े दीदी भाई भैया, परिवार वाले, समाज के अन्य बुजुर्ग सदस्य और स्कूल के शिक्षक गण जो है बहुत समझाते रहते हैं कि हेल्दी हैबिट्स क्या है या हेल्दी हैबिट्स के फ़ायदे क्या हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों के वैज्ञानिक पहलू के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं बच्चों से ये निवेदन करूँगा कि अगले 5 से 7 मिनट थोड़ा सा मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। हर बच्चे को ये चाहिए कि अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, समय पर रात को सो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट नाइट तक टीवी देखना या यूट्यूब या मोबाइल चलाना ये अच्छी आदतों में नहीं है। आप सुबह को जल्दी उठना चाहिए। जल्दी सुबह उठ करके आप कई ऐसे काम कर सकते हैं जिनको करने से आपके ब्रेन में स्मरण शक्ति का वृद्धि होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सुबह किए गए आधे घंटे की भी पढ़ाई आपको सारा दिन के मेमोरी पावर में सेट होकर के आगे के परीक्षा की तैयारी के लिए भी काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगा। हर बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए कि सुबह उठ के एक बार ब्रश करे और रात को डिनर के बाद भी एक बार ब्रश करे। अगर वो ब्रश 2 बार करेंगे तो खाना खाने के बाद जो गंदगी हमारे दांतों या मसूड़े के बीच में फंसी हुई रहती है या अवशिष्ट जो भी खाने पीने का टुकड़े हैं, अंश है, फंसे हुए रहते हैं, जिनके वजह से मुंह से बदबू आना या दांत में दर्द होना या दांत में कीड़े लगते हैं, इनकी संभावना ख़त्म हो जाती है। तो 2 टाइम हर बच्चे को ब्रश करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल उठ करके पानी पीने की एक आदत डालिए और रेगुलर टॉयलेट जाना चाहिए। तब क्या होगा, स्कूल में भी अटेंड करेंगे तो बीच में पेट दर्द से छुट्टी लेकर के घर नहीं आना पड़ेगा, और टॉयलेट में भी स्कूल में जा कर के पॉटी करने के लिए आवश्यकता नहीं होगा। तो घर से ही इस हैबिट को डालिए, हर दिन सुबह उठ करके पॉटी करने के लिए जाना चाहिए। कोशिश करें सुबह अगर किसी बीमारी के शिकार नहीं है तो प्रतिदिन नहा करके आप सुबह की शुरुआत कीजिए। टॉयलेट से आने के बाद आप अच्छे से घिस के नहाना चाहिए। नहाने से आपका ब्रेन कूल रहेगा, हर काम में मन लगेगा आपको, शरीर में स्किन की एलर्जी, कई तरह के दाने फोड़े फुंसी वो नहीं होंगे, और कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। शरीर हाइजीनिकली साफ सुथरा बना रहेगा। बच्चों को जो भी हरी साग सब्जी और फ्रूट्स खाने के लिए दिया जाता है उसको खाना चाहिए, उसको मना नहीं करने चाहिए। फ्रूट्स और हरी साग सब्जी में आयरन, फॉलिक एसिड, हर तरह के मिनरल्स, विटामिन ए बी सी डी, पूरे हर एक चीज़ मौजूद रहता है, जिससे आपका ब्रेन स्ट्रांग बनेगा और शारीरिक रूप से भी आप मजबूत होंगे। तभी आप पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और खेल कूद में भी 1 पोजीशन आप ले सकते हैं। हर बच्चों को बीमारी की हालत में बाहर जाने से बचना चाहिए, घर के अंदर ही रहें जब तक आपका खांसी, कफ, कोल्ड, फीवर ठीक ना हो जाए। इससे आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं और दूसरे तक भी नहीं फैलेगा। घर से बाहर खेलने के लिए ज़रूर आपको जाना चाहिए जब आप बीमार मुक्त हैं, बीमार नहीं हैं। खेलने के लिए एक उचित समय निर्धारित कीजिए। हर बच्चे को खेलने के लिए बाहर जाना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए। इससे आपके आउटडोर एक्सपोजर से आपके ब्रेन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अपग्रेडेशन होगा, आपको ताकत मिलेगा। खेल कूद से आपको शरीर में एनर्जी भी महसूस होगा। लेकिन जब वापस आते हैं तो आप हैंड वॉश जरूर कीजिए, साफ सुथरा जरूर रहने की कोशिश कीजिए। बड़ों का आदर करना सीखिए, अपने माता पिता के जो भी सलाह है या एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए।
बुजुर्गों से सम्मानपूर्वक बात करना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि आपके माता पिता जो भी चीज़ आपको सलाह के तौर पर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसको मानना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो अपने माता पिता को ज़रूर शेयर कीजिए। आप उनसे कुछ बातें छुपाए नहीं, आप कभी भी झूठ ना बोले। कभी भी किसी भी तरीके की तकलीफ़ में है तो ज़रूर अपने मम्मी पापा को शेयर करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होगा, फिजिकली भी खेल कूद में आप आगे बढ़ पाएंगे, बीमार मुक्त रहेंगे और हमेशा ज़िंदगी में अपना जो एम इन लाइफ है। मैं आप बच्चों से ये वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आप हर बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, ये तमन्ना को हमेशा अपने आँखों के सामने रखिए, अपने दिल में रखिए कि मुझे ये बनना है। और इस चीज़ को आप जब दिल में रखेंगे और आँखों के सामने रखेंगे तो उसको पाने के लिए आपको एक प्रयास करते रहना पड़ेगा और सही तरीके से चलना पड़ेगा। सही तरीके से चलने के लिए माता पिता का सलाह, बुजुर्गों का सलाह और सम्मान देना चाहिए आपको उनको, और आपके टीचर और शिक्षक जो भी आपको बताएंगे उस चीज़ का ज़रूर पालन करना चाहिए। तो मैं रिपीट करूँगा, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके पानी पीजिए, ब्रश कीजिए, टॉयलेट जाना चाहिए, अच्छे से फ्रेश होकर के नहाना चाहिए। उसके बाद जो भी खाना पीना हरी साग सब्जी आपको दिन भर में मील्स में मिलेगा, खाने में मिलेगा, उनको मना नहीं कीजिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, उनके माता पिता की जो भी सलाह है उनको मानना चाहिए। कोई भी तकलीफ है उनको शेयर कीजिए। बीमार है तो घर से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग कीजिए। घर से बाहर निकलते हैं तो खेलकूद जरूर करना चाहिए। खेलकूद से जब घर को वापस आ रहे हैं बाहर से तो अच्छे से हाथ की धुलाई कीजिए, जिससे आपके शरीर के अंदर मुंह के माध्यम से बीमारियां ना चली जाए। आप अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आप बीमार मुक्त रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तो मैं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको, आपकी ज़िंदगी में आप कामयाब हों और आप सक्सेसफुल हो, मैं आपके लिए गॉड से ज़रूर प्रे करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।